राम भक्त हनुमान की जयंती साल में दो बार मनाई जाती है, चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि के अलावा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला हनुमान जन्म उत्सव बेहद खास है। मंगलवार का दिन होने के कारण उस दिन हनुमान जी की पूजा से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 23 अप्रैल की भोर में 3:24 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 24 अप्रैल को भोर में 5:18 तक रहेगा। ऐसे में हनुमान जन्म उत्सव 23 अप्रैल को ही मान्य होगा। इस दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान जी का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें फल, लड्डू और तुलसी की माला चढ़ाकर उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा हर तरह के संकटों से भी लोगों को इससे मुक्ति मिल जाती है। देखिए, ऐसे तो वर्ष में दो बार हनुमान जयंती जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन और दूसरा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन। तो इस बार जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो जन्मदिन भगवान का मनाया जा रहा है वह मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो मंगलवार का दिन होने की वजह से हनुमान जी का विशेष दिन होने से बहुत शुभ और बहुत उत्तम दिन होगा। इस दिन हनुमान जी को विशेष करके फल का भोग लगावें, लड्डू का भोग लगावें, तुलसी की माला चढ़ावें और घी का या जिनको शनि की 7:30 या कोई परेशानी हो तो तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जला करके हनुमान जी की आराधना करने से उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हनुमान जी विशेष करके जो है पूर्णिमा के दिन चूँकि पूर्णातिथि है तो व्यक्ति को पूर्ण आशीर्वाद जो है देते हैं। इससे पूर्णिमा तिथि को अवश्य जो है इस बार उनका व्रत उत्सव पूजन जरूर करें। जय विष्णु।